नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ढौंडियाल सिस्टर्स में। तो आज हम पहुंच चुके हैं धारी मंदिर और यह हमारा दूसरा टूर है धारी मंदिर का एक ही साल में। हाँ अच्छा अच्छा खोले अच्छा अच्छा कोई नहीं, चलो चलो धीरे धीरे आते वक्त गाड़ी में आना। दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन और रहस्यमय मंदिर की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहां मां के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और यह मंदिर है धारी देवी का। मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको पूरी कहानी दिखाई है धारी देवी की। उसको संक्षिप्त में एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है माँ धारी का मंदिर और माना जाता है कि धारी माँ का मंदिर यहाँ रहकर उत्तराखंड के सभी 4 धामों की रक्षा करता है। यह कल्याणी माता माँ काली का मंदिर है, जो धारी देवी के रूप में यहाँ स्थित है। इस मंदिर में द्वापर युग से माता का शीश स्थापित है और माता के धड़ का हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उसे माँ काली के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या के जन्म के लेते ही उनकी माँ और पिता का निधन हो गया, इसलिए उन 7 भाइयों ने ही अपनी बहन का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उस कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उसके ग्रह नक्षत्र अपने भाइयों के लिए अशुभ हैं। इस कारणवश वे अपनी बहन से नफरत करने लगे, उनका सारा प्रेम खत्म हो गया और अचानक से उसके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। अब केवल 2 भाई ही बचे जो विवाहित थे और उन्हें भी यह लगने लगा कि उनकी मृत्यु का कारण भी उनकी बहन ही बनेगी। बहन की हत्या की योजना बनाई और रात्रि के समय उसका सर धड़ से अलग करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल एक व्यक्ति नदी के किनारे स्नान हेतु आया था, उसे वह डूबता हुआ सर दिखाई दिया। उसे लगा कि कोई कन्या डूब रही है, वह उसे बचाना चाहता था, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गई। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उस समय कन्या के शीश ने उस व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ धारी देवी की आराधना होने लगी। ओ, धारी मैया की। स्थानीय लोगों का मानना है कि 2013 में उत्तराखंड के इस इलाके में आई आपदा का कारण माँ धारी देवी की प्रतिमा को सरकार तथा बांध का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा उनकी जगह से विस्थापित किया जाना ही था। दरअसल सरकार इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई थी। जय धारी मैया। मत दे गाड़ी से।
लालाजी मोटे लालाजी मोटे मोटे पर बहुत महंगा लगवा रहे, सस्ता नहीं लगा रहे। ये दिखाना रेड व्हाइट वाला। अब हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर। इस वक्त पानी का स्तर बहुत कम है। पिछली बार हम गंगा किनारे नहीं आ पाए थे, आज हम गंगा किनारे आए हैं मालकनंदा के बीचों बीच। पानी इस वक्त है कम। ठंडा पानी है क्या? ठंडा पानी है। बोलो गंगा मैया की। क्या ठंडा लग रहा है। धारी देवी से अब हम निकल चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की ओर। देखते हैं रात कितनी होती है और देवप्रयाग के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते।